है या मेरा ये पहला ड्यूट? अरे इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी मैं अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के तारनाथ में मेरा घर है और वहाँ मैं एक छोटा सा, जब मैं टीका लगा रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े थे, इसलिए मेरे लिए भाग्यशाली दिन है। दूसरी चीज़, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाते जाते मैंने उनसे अपने दिल की बात कही। मैंने कहा आपसे मैं अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कहिए। तो मैंने कहा कि पहले हम लोग कहीं जाते थे तो विकलांग शब्द से हम लोगों के अंदर एक हे दृष्टि से देखा जाता था, हम लोगों के अंदर एक हीन भावना आती थी, लेकिन जब से आपने हम लोगों को दिव्यांग नाम दिया है, हम लोगों को दिव्य अंग बना दिया, तब से हम लोग कहीं भी जाते हैं हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान दिया जाता है और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरवान्वित दिन है कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। ये करके कि मैंने उनका धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी भी देखे देश के लिए कितना नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने भी बताया कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी वार्ता हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे भी कहा कि लोगों को भी जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं निश्चित रूप से करूँगा। जो है उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या हॉबी है, तो मैंने बोला कि मेरे को गाना गाना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि एक दो लाइन सुना दो। ये एक सपना सा लग रहा था वास्तव में मुझे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। इस बच्ची के बारे में उन्होंने सारी डिटेल्स पूछी कि आप इसका देखभाल कैसे करते हो, क्या करते हो, इसको वैक्सीनेशन में लेट क्यों हो गया, और इससे भी बातचीत की कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या करते हो, क्या आपका रूटीन क्या रहता है। तो एक देश के प्रधानमंत्री एक बच्चे से या एक देश के सामान्य नागरिक से जब इतना पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमारे प्रधानमंत्री इतने हम्बल हैं, जो हर व्यक्ति से इतना जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं हर वक्त। आज हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने हमसे जो है पूछा गया कि हमारे पास कौन से ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो हमारे पास नेगेटिव हमारे सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास कुछ बेनिफिशियरी ऐसे भी आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, शायद इससे ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज 100 करोड़ हो जाएगा वैक्सीन के लिए। तो इतना मतलब अच्छा फील हुआ उनको कि हमें वैक्सीन, हमें उसको अच्छे से गाइड किया हमने कि हमें वैक्सीन लगवा के आपको पूरे देश की आर्थिक स्थिति को हमें ठीक करना चाहिए और हमें आने वाले वायरस को फैलने से रोकना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पीएम मोदी सर से मिलके, सर मतलब इतना होप नहीं था कि सर को कभी ऐसा मिलेगा, बट एक्चुअली इट वॉज माई ड्रीम कम थ्रू। बहुत अच्छा लगा, सर ने मेरे को पूछा था कि आपका जर्नी कैसे है, तो अभी तक जब से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था, मेरा ड्यूटी यहाँ पे था, तो अभी तक मैंने 15,000 तक अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट किया। तो सर ने उसका जर्नी के लिए मेरे को पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की टीम मेम्बर हूँ और मैंने इतना मौका मिला कि पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए और ये इतना टफ डिफिकल्ट टाइम में कोरोना से लड़ने के लिए। वो आए तो आते उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच करके हम भी सेवा करने लगे और वो दौर तो बहुत ही खतरनाक दौर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतने भयभीत थे लोग। और उस दौरान हम लोग आकर के यहाँ पे रातों दिन मेहनत करते थे, ड्यूटी करते थे। तो आज पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई, तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपने जो एक बार कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो वो आपने जो कहा तो वो उससे हम चौकीदारों का मनोबल बहुत बड़ा सर, और आज समाज में हम लोगों की इज्जत है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि डायरेक्ट मेरी पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई और वो बड़ा खुश हुए और खुश होकर के मेरे पीठ भी थपथपाई उन्होंने।